नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा अंडररेटेड यूट्यूब चैनल शेयर विद अरूप में। तो दोस्तों, बहुत लोग मुझे कमेंट करके ये कह रहे हैं कि तुम अपने पुराने बैकग्राउंड में कब वापस जाओगे, हम तुम्हारे पुराने बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यार देखो, उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने बैकग्राउंड को बिल्कुल अपने एक्स गर्लफ्रेंड की तरह भूल चुका हूँ। तो प्लीज़ यार, तुम लोग बार बार उसका याद दिला के मुझे तकलीफ मत दिया करो यार, बहुत दर्द होता है यार। जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन यार एक तस्वीर है जिसको मैं अभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तुम तो आदमी बोलने के लिए लाइक है ही नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक प्रकार के आंटियां देखे हैं, लेकिन आज हम लोग जिस आंटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे मेरा पुराना बंधन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज से कुछ महीने पहले मैंने अपने जेब से पौने 300 रुपया खर्च करा के हमारी लेजेंडरी आंटी की तस्वीर काफी सम्मान और इज्जत के साथ उदय भाई के साइड में लगाया था, ताकि हमारी लेजेंडरी आंटी की आवाज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सके। लेकिन देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला? आंटी ने उल्टा मुझे रोस्ट कर दिया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये एक यूट्यूबर का एक लड़का आरव बोल के, वो आरव शर्मा है ना, क्या पता नहीं, मतलब आरव बोल के एक लड़का मुझे यूट्यूब में बोला है कि मतलब डायनासोर बोला है ना, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, क्योंकि तुम अपना फसल को देख के बात कीजिए। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अब देखो, मैं चाहूँ तो आंटी को ईंट का जवाब पत्थर से और रोस्ट का जवाब रोस्ट से आराम से दे सकता हूँ और आंटी की सारी जन्म कुंडली निकाल सकता हूँ। लेकिन देखो भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त नहीं होगा। ये वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त आंटी के साथ खड़ा होना चाहिए, आंटी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए आपको बताते हैं। रास्ते से हम गुजर रहे थे तो यहाँ हमको खबर मिला है कि इसी एरिया में जो है तामुल आंटी, आप जिसे कहते हैं, या फिर लेजेंडरी आंटी जिसे आप कहते हैं, हमको रास्ते पे दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि यार इसके साथ एक बार भेंट करके चाय पे चर्चा किया जाए। मतलब न्यूज़ चैनल वालों को भी आंटी के रियल नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेजेंडरी आंटी और तामुलपान आंटी ही काफ़ी है इस तूफान का परिचय देने के लिए। यार कम से कम ब्रैकेट में तो आंटी का रियल नेम लिख देते। तामुल आंटी आप जिसे कहते हैं, या फिर लेजेंडरी आंटी जिसे आप कहते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल। तो मुद्दा ये है कि आज से कुछ महीने पहले हमारी लेजेंडरी आंटी पहुँचती है हमारे ईटानगर के डीसी तालो पोतम जी के पास और उनसे नौकरी मांगते हैं। तो हमारे तालो पोतम जी उनसे कहते हैं, सरकारी पोस्ट नहीं है, अब वॉलंटियर्स काम करेगा और इस हिसाब से हम वॉलंटियर्स का पैसा देगा। 6,000 बहुत कम। हाँ नहीं, अब उसका बात हम लोग बढ़ाएगा ना। अब यहाँ हमारे डीसी साहब ने तुरंत लेजेंडरी आंटी को 6,000 सैलरी वाला एक नौकरी भी दे दिया, लेकिन वो अलग बात है कि आंटी ने 1,00,000 सैलरी वाला नौकरी मांगा था। आप तो 50,000 ना 1,00,000 का डिमांड किया था। हम तो 1,00,000 का मांगा था। चलिए, हम तो 1,00,000 का मांगा था। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब देखो, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, आंटी को 6,000 सैलरी वाला एक नौकरी भी मिल गया और आंटी का तामुल पान का दुकान भी एकदम बिल्कुल मस्त चल रहा था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबसे पहले सवाल ये है कि आपको डीसी तालो पोतम ने नौकरी से क्यों निकाल दिया? एक दिन हमारी आंटी सुबह सुबह नहा धो के तामुल खा के अपने काम पे निकलती है, लेकिन उसी दिन हमारे ईटानगर के डीसी तालो पोतम जी, जो कि काजू बर्फी से भी ज्यादा स्वीट है ऐसा माना जाता है, वो हमारी लेजेंडरी आंटी से कहते हैं,
कल से तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूँ। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे लेजेंडरी आंटी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और हमारे लेजेंडरी आंटी ने डीसी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि आंटी ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में अटक जाता हूँ कभी कभी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में आंटी शामिल हुई थी, इसीलिए उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, यह आरोप है आंटी का। इसको हम डीसी को मिलने गया तो डीसी ने हमको पूछा भी नहीं है, बोला आपका नौकरी डायरेक्ट सस्पेंड कर दो, ऐसे बोला। मतलब आप असम गया था उस समय उन लोगों को मिलने के लिए? हाँ, गया था। तो लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब हमारे लेजेंडरी आंटी को यह पता चला कि वे जिस एंटी करप्शन आंदोलन में शामिल हुए थे उस आंदोलन के कुछ नेता ही भ्रष्टाचारी है और उन्होंने अपने आप को ही बेच दिया और फिर तुम तो आदमी बोलने के लिए लायक है ही नहीं है, तुम्हारा वजह से यहाँ मेरा नौकरी चला गया और हम लोग का बच्चा वो हमें आधा मुरा हम लोग। यानी कि आंटी का अब ये कहना है कि वे सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई थी, इसलिए उनकी नौकरी छीन ली गई है और अब वे जनता से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको शिकार बनाया गया है, हैशटैग अब आंटी को इंसाफ दिलाओ। माँ है, बेटा का माँ है, बेटी का माँ है, हमको इस उम्र में मतलब डीसी जो इतना बच्चा खेला हुआ जैसे मतलब काल नौकरी डालो आज निकाल दो, ये तो बहुत शर्मनाक का बात है ना। लेकिन यहाँ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया यहाँ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो आंटी को पूरा अपना भरपूर सपोर्ट दे रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा ये भी है जो आंटी को भर भर के गाली दे रहा है। मीडिया शुड स्टॉप मेकिंग वीडियोस ऑफ अननेसेसरी पीपल, व्हाई यू गाइस गिव सच एन अननेसेसरी अटेंशन टू दिस पीपल। मतलब भाई अरुण भूमि न्यूज चैनल को गाली देके क्या फायदा, जो लोग देखना पसंद करते हैं वही तो मीडिया दिखा रही है। और वैसे भी तालो पोतम जी ने कहा था जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। मतलब तुम रानू मंडल के गाने को एंजॉय कर सकते हो, काचा बादाम पे डांस कर सकते हो, लेकिन हमारी लेजेंडरी आंटी अगर कुछ स्पीच देती है तो तुमको उस पर शर्मिंदगी होती है, ऐसा कैसे चलेगा मेरे भाई। क्योंकि वो देहाती भाषा में बोलती है इसलिए ना। मतलब ये तो वही बात हो गई, दूसरी की बीबी तुमको सेक्सी चाहिए और अपनी बीबी संस्कारी है। सॉरी यार, फ्लो में गलत एग्जाम्पल दे दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते आते मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लेजेंडरी आंटी को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए, उनको ज़रूर माफ़ी मिलनी चाहिए, उनको अपना नौकरी ज़रूर वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी लेजेंडरी आंटी हमारे मीम सेना से बिलोंग करती है और हमारे मीम सेना के किसी भी सदस्य के ऊपर अगर कोई भी आंच आए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द हम 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही होगा, अभी 3,000 सब्सक्राइबर और बाकी है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते आते आंटी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। अर्ज किया है हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता, अर्ज किया है हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता, ठीक उसी तरह हर वो व्यक्ति जो सड़क पे फुट मार्च करता है वो सोल दो दम नहीं होता। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी।